अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी खैरियत से हूँ और मैं दुआ करती हूँ कि जो भी ये वीडियो मेरा दूर दूर से जो भी देख रहा है, अल्लाह उनको खुश और सलामत रखे और आपकी सारी परेशानियाँ दूर करे। आमीन सुम्मा आमीन। तो इसी दुआ के साथ मैं आज का वीडियो शुरू करती हूँ। मैं मेरी बिल्डिंग में अभी लिफ्ट के पास खड़ी हूँ और हम लोग जा रहे हैं नीचे, क्योंकि मेरे नानी मुझे लेने आए थे और मैं अपने नानी के यहाँ जा रही हूँ। तो ये शाम के 8:30 बज रहे रहेंगे और हम लोग जा रहे हैं नानी के यहाँ पर, मैं और मेरे नानी। अभी सुबह हो गई है और मैं रात में यहाँ रुकी थी और मैं उठ गई हूँ। 11:30 बज रहे होंगे और ये मेरे नानी के घर पे एक नया कपड़े सुखाने का स्टैंड मंगाए थे हम लोग ऑनलाइन से, तो ये बहुत ही यूज़फुल है। सारे कपड़े इसमें अच्छे से सूख जाते हैं। और मैं यहाँ नाश्ता भी कर रही थी सुबह का, तो सुबह की चाय पीकर हम लोग आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो अभी नानी गेहूँ पीस रहे थे, तो ये हमारे पास घर में ही चक्की है आटे की, तो हम घर में ही पीसते हैं आटा। हमने चक्की का दरवाज़ा खोल के देखा है कि जो आटा था आधा हमने डाला था ऊपर से, उसका आटा बन के आ गया है गेहूं का। तो ये देखिए, छोटा सा बर्तन लगाना पड़ता नीचे। ये देखिए ऐसा आटा पीस के आ गया है। और हम आटे पीसते टाइम कपड़ा लगाते हैं, ऐसी जाली लगाते हैं, ये डब्बा और ऐसा कपड़ा और जाली लगाकर हम अंदर रख के उसमें आटा चले जाते हैं। ये देखिए, ये ऐसे लगाना पड़ता है इसमें। ऐसा फिक्स करके इसको लगा देंगे तो आटा सीधा ये डब्बे में ही चले जाएगा। अभी मेरे नानी ज्वारी की रोटी बना रहे हैं। ये आटे में ज्वारी का आटा और क्या रहे हैं, बाजरे का आटा और नाचनी का आटा, तीनों चक्की में पीसते हैं। पीस के फिर रोटी बनाते हैं, तो खाने में एकदम सेहत के लिए बहुत अच्छा रहता है। वो पेट में खाते हैं। ये गर्म पानी है। हाँ, ये गर्म पानी अच्छा उबला गर्म पानी डालने का आटे में, फिर उसे मिला के धोने का चम्मच से कोई भी चीज़ से ऐसे ऐसे, नहीं तो हाथों को गर्म चक्का लग जाता है। ऐसे ऐसे मिला के फिर रोटी बनाने का, गर्म पानी रहने से क्या है कि रोटी टूटती नहीं है, आटा आटे में टिकट बना रहता है। तो ये गरम गरम है आटा, आटा गरम गरम रहने से भी अपने को चावल को मिलाते रहना पड़ता है, तुरंत मिलाते रहना पड़ता है। मालिश देना पड़ता है आटे को, ऐसे मालिश देना पड़ता है, थोड़ा थोड़ा पानी लगा लगा के इसको अच्छे से मालिश करेंगे। रोटी अच्छी नरम होती है, कड़क नहीं होती, रोटी मज़े की भी बनती है, खाने में एकदम जायकेदार अच्छा रहता है खाने का। इसे हाथ से करते हैं,
रोटी ऐसा थपक थपक के इतनी बड़ी हो गई है। हमारा तवा भी गरम हो गया है, अब हम इसको सेकने डाल देंगे रोटी को तवे पर। इसको पानी लगाएंगे ऊपर से थोड़ा। रोटी तैयार होने के लिए थोड़ा टाइम लगता है, गेहूँ की रोटी के साथ फटाफट तैयार नहीं होती, थोड़ा टाइम लगता है। इसको अच्छे से सेक लेना चाहिए रोटी को। ये देखिए रोटी बन गई है, तैयार हो गई है। जो भी ये रोटी सेहत के लिए बहुत अच्छी रहती है और ये कोई भी खा सकते हैं।